हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्चुअल पार्ट भी काफ़ी बन जाता है नीट में, जेई में। तो देखिए कैसे क्या होता है। सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर चेंज होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस EMF आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, आएगा ना। और इंड्यूस करंट के साथ साथ इंड्यूस EMF जो आएगा उसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है। मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है इस टाइप से, समझ गए ना। सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF राइजेज, सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो राइजेज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस EMF के साथ साथ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। अब इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसा ही है, वैसे ही बिहेव करता है या कुछ अलग है, वो देखना है हमें, ठीक है ना। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहली बात, इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव है, मींस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। कंजर्वेटिव में जीरो होता था, यहां जीरो नहीं होता। इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंड्यूस्ड EMF। चार्ज और इंड्यूस्ड EMF का प्रोडक्ट होता है ये। यहाँ जो वर्कडन होगा वो चार्ज और इंड्यूस्ड EMF का प्रोडक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट, ठीक है भाई। अब इंड्यूस्ड EMF यहाँ कैसे आएगा, देखो जरा वही बातें हैं। क्या ये फॉर्मूला हमें पता था, V=-E·dl। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। तो V क्या है, पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल ही यहाँ पे इंड्यूस EMF है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, EMF को −E·dl −d∅dt होता है, अरे होता है ना, ओके। तो यहाँ पे माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और फाई क्या होता है, BA। तो यहाँ से E·dl को EL कर दो, यहाँ से एरिया बार ले लो dB/dt। तो यहाँ से क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड L और एरिया dB/dt, लिख सकते हैं इसको ऐसे। बात वही आ रही है ना, हमने ये फॉर्मूला लिया, इसको E की टर्म में लिया, dΦ/dt को ऐसे लिखा। क्यों लिखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकली बनेंगे, यूज होगा ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद देखो यहाँ अगर देखा जाए तो L क्या है,
लेंथ ऑफ लूप इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू फाइंड, जिसमें निकालना है. ओके, एरिया, एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ये वो एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. बात समझ में आ गई? ओके. और डी बी बाई डी टी आपको बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था. ओके, इसी में हमने बात की थी वर्क डन की. वर्क डन क्या था? चार्ज इनटू में इंड्यूस ईएमएफ. तो चार्ज क्यू, इंड्यूस ईएमएफ क्या था? ई डी फाइव बाई डी टी. मैग्नीट्यूड में ले लो तो बात तो वही आ गई ना. तो जो हमने स्टार्ट किया था कि वर्क डन जीरो नहीं होगा, वो इतना होगा. क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा इतना हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा. ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें भाई सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सिंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव सो नो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मीनिंग है. ठीक है ना, कि पोटेंशियल तो कंजर्वेटिव के लिए होता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्चुअल बन जाते हैं. तीसरा, सिंस फॉर सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पे क्या होगी? सेम सिमेट्री दिखाई दे रही है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कौन सा करंट? इंड्यूस्ड. कैसे? देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी बी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और ये अंदर जा रहा है. अंदर जा रहा है इसका मतलब इधर फील्ड अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने का अपोज होगा, इसका मतलब बाहर आएगा. और यहाँ से फील्ड बाहर निकलेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज. अरे हाँ या ना, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल. मेरी बात समझ में आ रही है? तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह ऐसे आएगा, टेंजेंट. क्लियर? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू लूप एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट. ठीक है भाई, चौथा पॉइंट समझ में आ गया. पांचवा, फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू ई इज एप्लीकेबल हेयर. तो चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, एफ इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला एप्लीकेबल है. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लगेगा. ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें कंसेप्चुअल पार्ट ये सारा ध्यान रखना है, याद करना है इसको. और न्यूमेरिकल्स के लिए एक फॉर्मूला जो शुरू में आया था ई एल इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, उसका ध्यान रखना है. कंसेप्ट क्या थे वो? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट वही होगी, वेक्टर क्वांटिटी है. ई इज वेक्टर, और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ ई वही होगा, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, वही बातें रहेंगी. ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये हमें आना चाहिए. ओके, चलो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे? फॉर्मूला क्या याद करना है? एक तो ई एल इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, एक फोर्स निकालना हो तो एफ इक्वल टू क्यू ई, ये आपको याद करना है.
कोई परेशानी नहीं आने वाली। देखो मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, रेडियस इसकी आर है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर दिया हुआ है अल्फा टेस्ला पर सेकंड दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड आर लेस देन आर एंड आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये हमें निकालना है, क्या करें, फर्स्ट पार्ट आर लेस देन आर इनसाइड निकालना। तो बेटा इनसाइड के लिए क्या करें, देखो इसके अंदर फील्ड दिया हुआ है, ठीक, इनसाइड की अगर बात करेंगे तो क्या ये ले लें, ठीक है, सिंस सबसे पहली बात क्या करें, ई एल इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, ई निकालना है, एल क्या होगा अंदर वाले लूप की रेडियस, आर के लिए टू पाई आर, अरे सर्कमफेरेंस, ठीक है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डी बी बाई डी टी क्या दे रखा है अल्फा, बात समझ में आ गई, डी बी बाई डी टी अल्फा। ए क्या होता है, ए वो एरिया जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, हमारा एरिया ये है और लेंथ जिसमें निकालना है ये है, तो सेम है ये, बात समझ में आ गई, एक आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ई कितना आ गया, ई आ गया आर अल्फा बाई टू, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बाकी यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पार्ट टू, पार्ट टू में आर आउटसाइड, तो आर ये मान लें, अब ये पॉइंट है, ये लूप बनेगा ऐसे आउटसाइड, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, ई एल इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, ई निकालना है, एल क्या होगा टू पाई आर, अरे आउटर की रेडियस आ रहा है तो टू पाई आर, क्योंकि एल वो लेंथ है जिसके अंदर, एल वो लूप की लेंथ है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ निकालना है, एरिया बोलने से फील्ड चेंज हो रहा है, तो फील्ड तो इस लास्ट बड़े वाले में चेंज हो रहा है, इसके बाहर तो चेंज हो नहीं रहा, तो एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, मेरी बात समझो, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड है लेकिन फील्ड तो यहीं पे चेंज हो रहा है लास्ट, तो फील्ड जहाँ तक चेंज हो रहा है वो एरिया लेना है पाई आर स्क्वायर, डी बी बाई डी टी अल्फा, तो ई क्या आ गया, ई आ गया आर स्क्वायर अल्फा बटे में टू आर, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ई प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ देखा जाए तो ई इनवर्सली वन बाई आर। अगर कोई आपसे पूछे ग्राफ प्लॉट कर दो भाई ई और आर में, तो यहाँ देखो ये ऐसे आएगा, क्यों, इनसाइड की अगर बात करें तो डायरेक्टली है, आउटसाइड की बात करें तो इन्वर्सली है, और अगर सरफेस की बात करें, ऑन सरफेस, सरफेस की बात करें तो क्या होगा आर अल्फा बाई टू, ईमैक्स, सरफेस की बात करें तो ईमैक्स क्या हो जाएगा आर अल्फा बाई टू, बात समझ में आई, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है आपके समझ में आ गया, फील्ड अगर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो जैसे पहले आया था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्लॉकवाइज कर सकते हो। देखो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले लूप की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो अंदर फील्ड ज़्यादा जा रहा है, अपोज करने के लिए फील्ड बाहर आएगा, फील्ड अगर बाहर आएगा इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है, बाहर आ रहा है तो नॉर्थ पोल का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इधर आएगा तो फील्ड भी इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर डिक्रीज हो रहा होता तो अपोजिट हो जाता, ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखिए एक सवाल, इसमें हम फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा फोर्स, देखो सपोज कीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2t³ - 4t² + 0.8 टेस्ला, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है,
इस लूप की रेडियस है आर, ठीक है, ओके। तो आर आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट है आर वन, आर वन दे रखा है 2 सेंटीमीटर, आर टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एट आर वन एंड आर टू, मतलब इन पॉइंट्स पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मान लो, तो उनके ऊपर फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, एफ इक्वल टू क्यू अप्लाई कर दो। तो पहले हमें, हमारा मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ध्यान से देखो, सबसे पहले अपने को चाहिए डीबी बाई डीटी मैग्नीट्यूड। तो डीबी बाई डीटी क्या कहता है, 3 आगे 60 स्क्वायर माइनस 80, अरे बोलो 2 आगे 80, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। नाउ फर्स्ट केस आर वन 2 सेंटीमीटर, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ई एल अपॉन में ए डी बी वाई डी टी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ई मुझे निकालना है, एल हो गई लेंथ, कौन सा पॉइंट है आर वन जो अंदर होगा, आर वन अंदर है तो इसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई आर वन, ठीक है। एरिया क्या होगा, पाई आर वन स्क्वेयर, क्योंकि एरिया वो जिसमें फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसी का लेना है जहाँ पर निकालना है। डी बी वाई डी टी कितना आया, 60 स्क्वेयर माइनस 80। इसमें कोई आपसे पूछे फाइंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आर वन आर टू एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 ले लिया हमने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके, या टी इक्वल टू 2 ले लो चलो। अब क्या करें, पाई से पाई कैंसिल, आर वन से आर वन कैंसिल, ई कितना आया 2 नीचे आ जाएगा, ई आया आर वन बाई टू, ये आर वन बचेगा 2 नीचे 6, टी को 2 पुट करो, टी 2 का स्क्वायर 4 माइनस टी को 2 पुट करो, ये आ जाएगा। तो ई आर वन, आर वन कितना है भाई 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बना लो, बाई 2 24 माइनस 16, तो ये कितना आ गया भाई 8 10^-2, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आने का मतलब डी वी बाई डी टी क्या हो रहा है इंक्रीज, ई इज पॉजिटिव मीन्स डी वी बाई डी टी इंक्रीजिंग, और डी वी बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्स क्या आएगा, माइनस ई ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो फोर्स क्या हो गया माइनस ई, और ये कितना है 8 10^-2 न्यूटन। ई की वैल्यू पुट कर दो 1.6 10^-19 सॉल्व कर लो इसको, तो ई इधर आ रहा है तो फोर्स किधर आएगा अपोजिट, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या आएगा अपोजिट। क्या मेरी बात समझ में आई, फोर्स अपोजिट, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, आ गई, ठीक है भाई, फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की अगर बात करते हैं तो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है भाई। इस केस में क्या होगा, ई एल अपॉन में ए डी बी वाई डी टी, ठीक है। इसमें क्या करें, ई निकालना है तो ये क्या आएगा 2 पाई आर टू। और इस क्वेश्चन में जो फील्ड था, देखो रेडियस दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर चेंज हो रहा है, बाहर नहीं है, मान के चलो जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के अंदर अंदर चेंज हो रहा है, बाहर नहीं है। तो ये 2 पाई आर टू, एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, क्यों, फील्ड तो इसके अंदर चेंज हो रहा है, बाहर तो है ही नहीं, ठीक है। डी बी वाई डी टी क्या आएगा 60 स्क्वायर 80, पाई से पाई कैंसिल, तो ई कितना आ गया आर स्क्वायर बटे में 2 आर टू, और यहाँ 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 24 माइनस 16, ये भी ठीक है। आर कितना था भाई 2.5
10 की पावर माइनस 2 मीटर बन जाएंगे स्क्वायर। 2 R2 कितना था 5, 10 की पावर माइनस 2 ये कितना आ गया 8। जरा सोल्व करो इसको, 22.5 का स्क्वायर 6.25, 10 रेज टू पावर माइनस 4 ये हो गया 10, 10 रेज टू पावर माइनस 2 8। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो E मेरे पास आ गया, ये हो गया 10 रेज टू पावर माइनस 1, 10 रेज टू पावर माइनस 1 ऊपर जाके प्लस का, ठीक है, तो 6.25 इंटू 8 10 रेज टू पावर माइनस 3। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आई थिंक 50 आएगा, 8 5 जा 40, 8 जा 16 20 50, 10 रेज टू पावर माइनस 3 न्यूटन पर कूलम। आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 10 0 16 5 जा 80, तो माइनस 8 10 रेज टू पावर, सुनना सिर्फ आ जा 80, 80 की 0 हटाओगे तो माइनस 21 19 3 22 121, सोल्व कर लेना, चेक कर लेना इसको, ठीक है, फोर्स आ गया। अब यहाँ फोर्स फिर नेगेटिव, तो इस आउटसाइड केस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड इंक्रीज, देखो ई यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो वही बातें हैं, ई पॉजिटिव है इसका मतलब डी बी बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये ऊपर आएगा तो फोर्स नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि माइनस साइन है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है, ई एल ए डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, ई जहाँ निकाल लो, ध्यान रखो, ध्यान रखना एल, एल वो लूप की लेंथ है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ए वो एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर स्मॉल है स्मॉल, बड़ा है बड़ा, लेकिन वहाँ तक लेना जहाँ तक फील्ड चेंज हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है ना, एरिया वही लेना है जहाँ पे फील्ड चेंज हो रहा है, क्लियर। ये बात तो ध्यान है, तो मुझे सारा सोल्व करना था, मुझे कोई प्रश्न नहीं, जनरल ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह जेई वगैरह में आ जाते हैं, तो बेटा प्रैक्टिस कीजिए, आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।